हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलिमा, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 2021 के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैंने जनवरी 2021 से मई 15 2021 तक के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर किए हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये ऑडिशन में, केबीसी में या कोई भी क्विज कॉम्पिटिशन में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। उससे पहले, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया या आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, नया वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर वन है, हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव बीन अवॉर्डेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन 2021। इस वर्ष कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 32, 35 या 26? तो इसका जो सही आंसर है वो है 32। क्वेश्चन नंबर टू, जो बाइडेन टुक ओथ एज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो वो 46th, 47th या 48? तो इसका जो सही आंसर है वो है 46। ए 46 प्रेसिडेंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। और जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो जॉन एफ कैनेडी थे, जो कि 43 इयर्स में वो प्रेसिडेंट बने थे। और जो बाइडेन जो है, ही इज़ द ओल्डेस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उनकी जो एज है वो 78 है। क्वेश्चन नंबर थ्री, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन केव पेंटिंग इज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग हाल ही में किस देश में खोजी गई है, केन्या, मलेशिया या इंडोनेशिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। यह एक जंगली सुअर की आदमकद तस्वीर है, जो कम से कम 45,000 साल पहले बनाई गई थी। ये देखिए, ये जो है ये एक सुअर की पेंटिंग है, जो कि इंडोनेशिया में जो है ये केव पेंटिंग खोजी गई है। क्वेश्चन नंबर फोर, इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू की गई है, चेन्नई, चंडीगढ़ या बैंगलोर? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच वन इंडियन अमेरिकन इज अपॉइंटेड बाई नासा एज द चीफ एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा। नासा द्वारा नासा के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है, विवेक मूर्ति, भव्य लाल या माला अडिगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, भाव्यालाल। ठीक है, ये जो है ये है भाव्यालाल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच टीम बिकेम द फर्स्ट टाइम टू रीच द फाइनल ऑफ द इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021। इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी बनी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच इज़ द मोस्ट डाउनलोडेड नॉन गेमिंग ऐप अक्रॉस द फ्लोर फॉर जनवरी 2021। जनवरी 2021 के लिए सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला गैर गेमिंग ऐप कौन सा है, व्हाट्सएप, सिग्नल या टेलीग्राम? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, टेलीग्राम। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा गैर गेमिंग ऐप है जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है, और इसके जो फाउंडर है वो है पेवल डुरोव। ठीक है, ये जो है ये पेवल डुरोव है, और उनके जो ब्रदर है निकोलाय, उन्होंने दे आर द फाउंडर्स ऑफ टेलीग्राम। क्वेश्चन नंबर एट, हु इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री टू हैव बीन बॉट इन द ऑक्शन। IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है जिसे ऑक्शन में खरीदा गया है, ठीक है, डेविड वार्नर, क्रिस मॉरिस या ग्लेन मैक्सवेल? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस 2021 की नीलामी के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगे क्रिकेटर बने। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो यह है क्रिस मॉरिस। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइजीरिया की नगोजी ओकोजो इवेला किस संगठन की पहली महिला प्रमुख बनी? ठीक है, UN, WTO या नाटो?
तो इसका जो सही आंसर है वो है WTO, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसकी पहली महिला प्रमुख बनी है नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो इवेला। क्वेश्चन नंबर 10, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट टू विन 28 ग्रैमीज़। 28 ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला कलाकार कौन बनी है, बियॉन्से, लेडी गागा या जेनिफर लोपेस? तो इसका जो सही आंसर है वो है बियॉन्से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली ये सब पूछे जाएंगे। तो ये जो है ये बियॉन्से हैं, ठीक है। और इन्होंने शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल आर्टिस्ट टू विन 28 ग्रैमीज। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2021। 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड, नॉर्वे या इंग्लैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, फिनलैंड, जो कि यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 12, हु हैड हिट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बाय अ डेब्यूटेंट इन ODI फॉर इंडिया। भारत के लिए वनडे में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया है, कृणाल पंड्या, ईशान किशन या श्रेयस अय्यर? तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कृणाल पंड्या, ठीक है। कृणाल पंड्या जो है उन्होंने वनडे में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया था, तो कृणाल पंड्या। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द फिल्म फेयर अवार्ड 2021। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, इरफान खान, अजय देवगन या सैफ अली खान? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इरफान खान, जो कि मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए उनको मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो मिली है थप्पड़ को, ठीक है। जो मूवी थप्पड़ है उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, तापसी पन्नू को मिला है थप्पड़ के लिए। क्रिकेट जो क्रिटिक्स अवार्ड होते हैं, जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है क्रिटिक्स, वो गया है अमिताभ बच्चन को फिल्म गुलाबो सिताबो के लिए। क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है फिल्म सर के लिए तिलोत्तमा शोमे को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत फिल्म तान्हाजी। सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अभिनेता सैफ अली खान को मिला है तान्हाजी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सह कलाकार अभिनेत्री फारूक जाफर को मिला है गुलाबो सिताबो के लिए। सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स गया है गुलजार को फिल्म छपाक के लिए। सर्वश्रेष्ठ मेल प्लेबैक सिंगर मिला है राघव चैतन्य को, जो सॉन्ग है एक टुकड़ा धूप के लिए, जो कि मूवी थप्पड़ से है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीमेल प्लेबैक सिंगर मिला है असीस कौर को, जो कि मूवी मंगल से है और जो सॉन्ग है वो भी मंगल है। क्वेश्चन नंबर 14, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी सहयोगी अटॉर्नी जनरल कौन बनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये है वनिता गुप्ता, संजय गुप्ता या गौतम राघवन? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ए, वनिता गुप्ता, ठीक है। ये जो है ये वनिता गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द DNA प्लाज्मिड बेस्ड COVID-19 वैक्सीन बींग डेवलप्ड बाय द जाइडस कैडिला हेल्थ केयर। जाइडस कैडिला हेल्थ केयर द्वारा विकसित किया जा रहा DNA प्लाज्मिड आधारित COVID-19 वैक्सीन कौन सा है, कोविवैक, RBD-DMA या जायकोव डी? तो इसका जो सही आंसर है वो है जायकोव डी, जो कि जाइडस कैडिला हेल्थ केयर द्वारा बनाया गया DNA प्लाज्मिड बेस्ड COVID-19 वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमेरिकन सिटी इज इलेक्टेड एज द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सा अमेरिकी शहर संयुक्त राज्य अमेरिका के 51st राज्य के रूप में चुना गया है, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया? तो इसका जो सही आंसर है वो है वॉशिंगटन DC। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू बैच ऑफ 60 स्टारलिंग इंटरनेट सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट, ठीक है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 60 स्टारलिंग इंटरनेट उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है, नासा, जैक्सा या SpaceX? तो इसका जो सही आंसर है ये है SpaceX। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे इज एन ऑनर कॉन्फर्ड बाय विच कंट्री। राइजिंग सन
गोल्ड एंड सिल्वर रेस किस देश द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है? चाइना, जापान या रशिया? ठीक है, तो राइजिंग सन से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ये जापान है। ठीक है, तो ये जापान द्वारा जो है ये सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जेजेरो क्रेटर हुज इमेजेस हैव बीन कैप्चर्ड रिसेंटली इज अ क्रेटर इन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी? जेजेरो क्रेटर जिसकी तस्वीरें हाल ही में खींची गई है, किस खगोलीय पिंड में एक गड्ढा है? ठीक है, मून, सन या मार्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मार्स। ठीक है, नासा के पर्सेवरेंस रोवर ने हाल ही में एक प्राचीन क्रेटर जेजेरो क्रेटर के फर्श की संरचना का अध्ययन करना शुरू किया है। रोवर के रोबोटिक आर्म के अंत में ब्रेटसन नाम के कैमरे ने चट्टानों के शॉट्स लिए हैं। ठीक है, तो जो कैमरे का नाम है वो क्या है? वाटसन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, लॉन्ग मार्च 5B हुज डेब्रिस लैंडेड इन द इंडियन ओशन इज अ लॉन्च व्हीकल ऑफ विच कंट्री? लॉन्ग मार्च 5B जिसका मलबा हिंद महासागर में गिरा है, किस देश का जो है वो यान था? रशिया, USA या चाइना? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, चाइना। चीन के सबसे बड़े रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में होता है, इसके अधिकांश घटक जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान नष्ट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? मई 10, मई 12, मई 14? तो फिर इसका जो आंसर है वो है मई 12। ठीक है, मई 12 जो है 1820 में फ्लोरेंस नाइटेंगल जो है, जो कि एक नर्स थी और एक सोशल रिफॉर्मर भी थी, उनका जन्म हुआ था, और इसीलिए इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो मई 12 को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एन प्रोटीन हैज़ बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विथ व्हाट? एन प्रोटीन का संबंध किससे पाया गया है? कोरोना वायरस, ह्यूमन इम्यून सिस्टम या प्लांट न्यूट्रिएंट? तो इसका जो सही आंसर है एन प्रोटीन, कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। INS कोलकाता अराइव्ड पोर्ट शुवैक टू ब्रिंग लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एंड मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम विच कंट्री? INS कोलकाता किस देश से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति लाने के लिए पोर्ट शुवैक पहुंचा? ठीक है, UAE, कुवैत या ओमान? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, कुवैत। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, पोर्ट शुवैक जो है कुवैत में है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के एक भाग के रूप में INS कोलकाता पोर्ट शुवैक कुवैत पहुंचा और कुवैत से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति वो जो है वो लाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी एज ऑफ मई 2021? मई 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन? ठीक है, जो है ममता बनर्जी, मायावती या शीला दीक्षित? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, शीला दीक्षित। ठीक है, शीला दीक्षित जो है शी इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी एज ऑफ मई 2021 तक। ठीक है, ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह 2011 से राज्य की मुख्यमंत्री है, और शीला दीक्षित जो है दिल्ली की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली मुख्यमंत्री होने के साथ साथ किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला मुख्यमंत्री है। उन्होंने 1998 से 15 साल की अवधि के लिए यह सेवा की है। क्वेश्चन नंबर 25, नासा पार्कर 16 प्रोब डिटेक्टेड अ नेचुरल रेडियो सिग्नल इन द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लैनेट? नासा के पार्कर 16 प्रोब ने किस ग्रह के वातावरण में एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल का पता लगाया है? मार्स, वीनस या अर्थ? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, वीनस। वीनस यानी कि शुक्र।
क्वेश्चन नंबर 26, नेहरू जूलॉजिकल पार्क वेयर एशियाटिक लायंस वेयर टेस्टेड कोविड पॉजिटिव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जहां एशियाई शेरों को कोविड पॉजिटिव परीक्षण किया गया था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात या तेलंगाना? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, तेलंगाना। ठीक है, 8 एशियाटिक लायंस एट हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैव बीन टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट केस ऑफ लायंस और एनी अदर एनिमल्स टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस इन्फेक्शन इन द इंडियन जू। इंडियन जू में पहली बार एशियाटिक लायंस जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, और वो भी नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 27, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव? किस देश ने आदिवासी टीबी पहल शुरू की है? नेपाल, इंडिया या श्रीलंका? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, न्यू बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? जगदीश चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम या अजमल खान? तो इसका जो सही आंसर है वो है अजमल खान, और जो बैक्टीरिया का नाम है वो रखा हुआ है मेथिलोबैक्टीरियम अजमली। इट इज़ नेम्ड आफ्टर अजमल खान, ये एक बहुत ही रिनोन इंडियन साइंटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय उत्कल केशरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब हुज हिंदी ट्रांसलेशन वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर? उत्कल केशरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है जिसका हिंदी अनुवाद प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? उड़ीसा इतिहास, भारत सम्राट या मिशन इंडिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा इतिहास। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक उड़ीसा इतिहास विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय उत्कल केशरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब। क्वेश्चन नंबर 30, विच पाकिस्तानी प्लेयर हैज़ टॉप द ICC मेंस ODI बैटिंग रैंकिंग सरपासिंग विराट कोहली? किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने विराट कोहली को पछाड़कर ICC पुरुषों की ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं बाबर आजम, हसन अली या मोहम्मद आमिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बाबर आजम। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही GK रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।